फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे पास स्प्लेंडर की बाइक है। इसका मीटर नहीं चल रहा है। इसमें कौन से पार्ट हमको चेक करने होते हैं, क्या पार्ट लगेगा, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम पहिया को पहले घुमा के चेक करेंगे हमारा मीटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। फ्रेंड्स देखिए, पहिया को हमने घुमाया और मीटर हमारा देखिए नहीं चल रहा है। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा मीटर का, इसके अंदर हमारा मीटर का वायर चलता है। अब देखिए, यहाँ पे एक कांटा बना होता है। यहाँ पे देखिए, ये कांटा होता है। हमें पेचकस की मदद से इसको ज़रा सा प्रेस करना होता है अंदर की साइड में, और ये देखिए हमारा बाहर निकल आता है। ये देखिए हमारा वायर होता है जो मीटर में चलता है, मीटर को घुमाता है। अब इसको क्या करना है, हमको धीरे धीरे वायर को बाहर निकालना है, क्योंकि वायर हमको पहले चेक करना है, वायर हमारा टूटा है या नहीं टूटा है। देखिए, ये वायर को हमने बाहर निकाल लिया है। वायर हमारा सही है, वायर दोनों साइड में हमको ये देखना है कि वायर हमारा एक जैसा होना चाहिए। देखिए, ये एक जैसा वायर है हमारा, और वायर हमारा सही है। इसका मतलब क्या है कि अंदर जो पिनियन लगी है, वो पिनियन हमारा, उसका दांता कट चुका है। अब हमको पिनियन बदलना है। अब पिनियन बदलने के लिए हमको क्या करना है, 19 नंबर की रिंच लेकर के इसको खोलना है और पहिया को बाहर निकालना है। ये 19 नंबर के रिंच से हमको इसको खोल लेना है। फ्रेंड इसको खोलने के बाद हमको क्या करना होता है, प्लास से या हाथ से, जैसे भी निकले, आपको ये बाहर कर लेना है इसका बोल्ट। उसके बाद क्या करना है, पहिया को हमको इसमें से निकाल लेना है। फ्रेंड्स ये ब्रेक वाला वायर हमको यहाँ से खोल लेना है और पहिया को इस तरह से हमको निकाल लेना है। देखिए, पहिया के इस वाले पार्ट को, देखिए ये हमारी पहिया हो गई और ये हमारा पार्ट हो गया मीटर पिनियन वाला। देखिए ध्यान से दोस्तों, अब हमको क्या करना है, देखिए दोस्तों, हमको ये ब्रेक वाला पार्ट इसको निकाल लेना है, ब्रेक शू जिसे बोलते हैं। देखिए, ये हमारा ब्रेक शू निकल गया है। अब ये हमारा मीटर गिर रहा है, अब हमको इसको निकालना है। निकालने के लिए सिंपल सा हम इसको ऐसे करेंगे, ये मीटर गिर रहा हमारा, देखिए ये बाहर आ गया। ये दोस्तों देखिए, इसका दांता जो है वो कट चुका है। इसके दांते तो कुछ दिख रहे हैं, लेकिन ये जो अंदर वाला है, इसका दांता बिल्कुल कट चुका है। ये देखिए, अब इसको हमको कैसे निकालना है, उसको भी हम आपको बताते हैं। वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। देखिए, ये जो हमारा पार्ट होता है, यहाँ से ये हमारा पिन निकलेगा। अब हमको क्या करना है, इस तरह से इसको रख करके हल्का सा पेचकस की मदद से यहाँ पे इसको चोट मारना होता है। देखिए, ये देखिए हमारा मीटर पिनियन बाहर आ गया। ये देख रहे हैं, ये मीटर पिनियन हमारा बाहर आ गया। यहाँ से हमारा ये वाला मीटर पिनियन लगेगा और बड़ा वाला यहाँ से लगेगा। अब कैसे लगाना है, इसको हम आपको दिखाते हैं। ये तो हमारा निकालने का तरीका हो गया। ये हमारा मीटर पिनियन है। आप किसी भी शॉप से इसको, बाइक पार्ट जहाँ आपके मिलते हैं वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। देखिए, ये हमारे मीटर पिनियन है। जैसे आप इसको निकाले थे, सिंपल सा तरीका है, इसको आपको लगाना है। लगाने के लिए आप देखिए, ये जो होता है, यहाँ पे तो हमारा मीटर का वायर इसमें लगता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मीटर वायर जो है। देखिए, ये देखिए, यहाँ से इसको ये घुमाता है। अब हमको क्या करना है, सिंपल सा इसको यहाँ इसको लगा देना है। यहाँ लगाने के बाद ये हमारा एक इसका
कॉलर होता है जिसमें ये चलता है, और ये जाके यहाँ पे इसको जाम कर देता है जिससे ये हमारा ये बाहर नहीं आने पाता है। अब देखिए हम इसको लगाएंगे कैसे, इसको हमको अंदर डाल देना है, उसके बाद हमको इसको लगा देना है। ये देखिए वो अंदर गया, और हमको इसको लगाने के बाद इसको हल्का सा चोट मारनी होगी जिससे ये हमारा जाके खांचे में बैठ जाए, जिससे हमारी अंदर वाली जो पिनियन है वो बाहर ना आने पाए। इसको जो है कॉलर में बैठा लेना है, और उसके बाद हमको यहाँ पे ये चेक कर लेना है। देखिए ये हमारा फ्री होना चाहिए बिल्कुल, ये देखिए ये हमारा बिल्कुल फ्री है। ये देखिए मैं इसको चला रहा हूँ, ये चल रहा है। अब क्या करना है, ये जो वार्सर होता है इस वार्सर को हमको इसमें डालना होता है। देखिए ये वार्सर हमारा हो गया, और ये हमारा बाहर वाला हो गया। हल्का सा हमको इस पर मोबिल लगा लेना है जिसे ये प्लास्टिक पार्ट है कटे ना। ये देखिए दोस्तों, हमको इसको इसमें लगा लें। अब जब पहिया हमारी जब चलती है, जब इसको घुमाती है, तो ये पिनियन इसको घुमाती है, और ये पिनियन जो है हमारे मीटर वायर को घुमाती है जिससे हमारा मीटर वायर चलता है। देखिए ये हो गया हमारा, ये हमारा मीटर पिनियन देखिए वर्क करने लगा अच्छे से। अब हमको क्या करना है, जैसे हमने इसको ओपन किया है तो ये हमारा जो है ब्रेक शू देखिए कितना ख़राब हो गया है। अब इसी समय हम इसको भी साफ कर लेंगे थोड़ा सरेस पेपर की मदद से। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमको इससे सरेस पेपर मार लेना है जिससे हमारा ब्रेक जो है वो अच्छे से लगे। हल्के हल्के मारना है, बहुत ज़्यादा नहीं घिसना है, हल्का 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 हमको ये हमारा जो हब है पहिया का इस पर भी कर लेना है जिससे ये जो बिल्कुल सा प्लेन सा हो गया है थोड़ी सी इस पर बाग में आ जाए। ये देखिए इसको हम साफ कर लेंगे, और जैसे हमारा ये ब्रेक लगा हुआ था वैसे हम ब्रेक को लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स देखिए ये मीटर पिनियन हमने लगा लिया है, और ये जैसे ब्रेक शू था हमने ब्रेक शू बैठा लिया है। अब देखिए ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल ओके हो गया है, अब हमको इसको बांधना है। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा लग गया है, अब इसको हमको यहाँ पे लगाना है। इसको क्या करना है, देखिए ये हम हल्का सा ब्रेक ये दबाएंगे तो ये हमारा बैठ जाएगा। अब इसको हल्का सा हमको नचाना है, तो जो हमारी मीटर पिनियन थी, मीटर पिनियन का जो खांचा होता है हमारा वो इसमें बैठ जाएगा। देखिए ये बैठ गया, ये देखिए बिल्कुल आराम से फ्री घूम रहा है। अब वही सिंपल सा जैसे हमने पहिया को खोला था वैसे ही हमको पहिया को बांध देना है। देखिए फ्रेंड्स हमको पहिया को इस तरह से लगा लेना है, और उसके बाद इसका जो बोल्ट है यहाँ से इसको बोल्ट हमको फंसा लेना है। देखिए बोल्ट हमारा बाहर आ गया, इसको यहाँ से हम लगा के टाइट कर लेंगे। पहिया को हमको अच्छे से टाइट कर देना है। देखिए अब ये ब्रिक वाला पार्ट हमको यहाँ से लगा लेना है। सेम चीज़ है जैसे आपने इसको ओपन किया था वैसे ही हमको जहाँ जहाँ से जो भी नट आपने खोला था उसको लगा लेना है। हमको पहिया को उठा के देख लेना है कि हमारी पहिया फ्री हो जानी चाहिए, जैसे बिल्कुल ये फ्री चल रही। अब उसके बाद क्या करना है, इस वायर को हमको जो ये मीटर का वायर था इसको हमको बिल्कुल क्लीन कर लेना है। देखिए क्लीन करने के बाद हम थोड़ा सा मोबिल लगाना है जिससे हमारा वायर जब उसमें चले तो ये बिल्कुल भी फ्री चलना चाहिए, क्योंकि ये घूमता है। देखिए
इस पर हम थोड़ा सा मोबिल लगा के इसको इस वायर को फ्री कर देंगे बिल्कुल से। ऊपर से नीचे तक बिल्कुल हमको वायर को मोबिल से गीला कर लेना है। इसको आराम से हमको देखिए ये वायर हमारा देखिए कितने आराम से जा रहा है। वायर जब लास्ट में पहुंच जाए हमको हल्का से इसको घुमाना होता है जिससे ये जो हमारा ऊपर वाला मीटर है उसमें ये वायर फंस जाए। देखिए ये फंस गया है। अब इसको हमको क्या करना है, इसको यहाँ लगाना है और अंदर अभी नहीं डालना है हमको, ये पहिया को उठा के थोड़ा सा पहिया को घुमाना होता है। और देखिए ये देखिए ये मेरा जो ये कॉलर है ये कॉलर फंस गया है। अब मीटर हमारा ओके हो गया। फ्रेंड्स इस पहिया को हमको घुमा के देख लेना है, पहिया हमारी फ्री होनी चाहिए। ये मीटर का वायर हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये जो कटिया हमारी बनी होती है यहाँ पे ये फंसना चाहिए। अब इसको पहिया को देखिए घुमाएंगे और हमारा ऊपर मीटर चलना चाहिए। गाइस देखिए अब आपको हम मीटर चेक करके दिखाएंगे कि हमारा मीटर किस तरह से काम कर रहा है। गाइस देखिए ये मीटर किस तरह से काम किया। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।